हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जी, ट्रक ड्राइवर लाइव चैनल में आपका स्वागत है। और हम चल पड़े हैं भाई गाड़ी लोड करने के लिए। ये देखो भाई, बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट नगर टिम्बर मार्केट सेक्टर 29-28 इंडस्ट्रीज एरिया। और अपने को जाना है भाई यहीं पे 1 किलोमीटर साइड में। और फिलहाल हम चंडीगढ़ के अंदर है भाई। तो यहाँ पे आपको पता ही है भाई, कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, चलान होने का बहुत ही ज़्यादा डर है भाई। हम जाएंगे भाई पिंजौर वाले रोड पे, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, सिर्फ 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे रेड लाइट है, वहाँ से लेफ्ट हो गए अपने को, वहीं से लोड करनी है भाई। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है भाई। अबे भाई, आने दे, हमें भी आने दे भाई। उस साइड में इंडिकेटर लगा दिया था भाई हमने। और ये देखो भाई, अपने को यहाँ से घूमना है भाई, लेफ्ट साइड। देखो चंडीगढ़ का नज़ारा देखो भाई एक बार आप। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, सिर्फ 100 मीटर आगे सर्विस रोड स्टार्ट हो जाएगा भाई। सर्विस रोड पे गाड़ी ले लेंगे। ये देखो भाई, सामने नज़र आ रहा होगा आपको सर्विस रोड। यहाँ से हो जाएंगे भाई हम सर्विस रोड पे। अगर सीधे वाले रोड पे जाते हैं ना भाई, तो वहाँ पे है नो एंट्री। और माल ज़्यादा नहीं है भाई, थोड़ा ही माल है, 2 से 3 टन वजन है भाई। ये लोड हो गया अपना कैंसिल भाई, और हमें जाना है जो ये लोकेशन नज़र आ रही होगी आपको साइड में, यहाँ पे जाना है भाई अभी अपने को। तो यहाँ से करेंगे यू टर्न रेड लाइट से, ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है। 50 से ऊपर अगर आपकी गाड़ी चलती है भाई, उस चालान होता है तो बीच स्वाइडर आ रहा होगा आपके लगे नहीं है, वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं भाई। तो आपको 50 से ऊपर नहीं चलाना है भाई ट्रक। यहाँ से लेंगे भाई हम राइट है। तो यहाँ पे भी पुलिस वाले खड़े रहते हैं भाई, कैमरे को रख देते हैं नीचे। कोई भी रेड लाइट पे पुलिस वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लगे हुए हैं भाई कैमरे। आपका चलान होगा ऑनलाइन, तो उसमें भाई छूट भी नहीं होगी, क्योंकि जितने का चलान है उतने का ही चलान मिलेगा आपको। तो हम कर देते हैं भाई एक बार कैमरा बंद, लोकेशन पे पहुँचते हैं, फिर बातें करेंगे आपसे। डबल रेड लाइटें लगी हुई हैं नज़दीक में। और ट्रैफिक की तो भाई आप बात ही मत पूछो चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ में जितना ट्रैफिक होता है ना भाई, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और रेड लाइट भाई 100 मीटर पे 50 मीटर पे आपको जो भी कोई एग्जिट है या कट है या चौराहा है, उस पर आपको रेड लाइट नज़र आई ही आएगी भाई। और कैमरे देखो भाई एक बार, कितने कैमरे लगे हुए हैं। ये देखो भाई कितने कैमरे लगे हुए हैं ना भाई। आपका चलान ऑनलाइन कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या गलती की है और किस चीज़ का आपका चलान कट गया। चलान आने के बाद पता चलेगा भाई किस चीज़ का चलान कटा है। तो लाइन चल पड़ी है भाई, हम भी निकलते हैं। आपको भाई बोर्ड लगे हुए नज़र आ जाएंगे, ये देखो राइट साइड में बोर्ड लगे हुए नज़र आ जाएंगे भाई आपको। इतने की स्पीड है इस रोड पे, ट्रक की स्पीड है भाई 50 की और कार की स्पीड है भाई 60 की। तो आपको कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं भाई वैसे तो, क्योंकि हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं स्पीड के। और आपको चलना भी भाई बीच वाली लाइन में है, डिवाइडर के पास में नहीं चलना है। सबसे बड़ी भाई, मतलब लाइन में क्यों नहीं खड़े होते हैं यार, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। देखो आप, ये कार वाला कौन सी लाइन में खड़ा है, उस लाइन ने वो लाइन भी दाब ली, और ये मेरे वाली लाइन भी देखो आप दाब के खड़ा हुआ है। अबे भाई एक लाइन में खड़ा हो जा, निकलेगी तो एक लाइन में गाड़ी, बीच के अंदर आप देखोगे तो भाई स्पेस देखो, क्योंकि एक उधर खड़ा हो जाता है उस साइड वाली लाइन दाब लेता है, उस साइड वाली लाइन दाब लेता है आदि। फिर भाई ऐसे क्या है, मतलब तभी इसी टाइम इनका चलान होना चाहिए भाई। और यहाँ पे चलान होता है किसका, ट्रक वालों का भाई।
ट्रक वाले मतलब अपनी लाइन में चलते हैं, कोई कार वाला अगर साइड दबा देता है तो इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत गाड़ी भाई, लेकिन चलान कटेंगे ट्रक वालों के। अभी कार वालों को देखो भाई आप, मतलब कोई कहीं पे भी खड़ा है, बीच में बाइक वाले फंसे हुए हैं, इसी में भाई सब कुछ हो रहा है। अपनी लाइन में कोई चलना ही नहीं चाहता है भाई, और लगता है भाई अपना भी चलान कटेगा, क्योंकि अब की बार अपने पास कैमरा टांगने के लिए स्टैंड नहीं है भाई, हम घर पे ही भूल गए थे, इसलिए लगता है मेरे को चलान कटेगा अपना भी भाई। 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड और हो गई भाई बत्ती चलने के लिए तैयार, निकलते हैं भाई। और सामने खड़े हुए हैं भाई पुलिस वाले, तो हमें इनसे भी बचना है भाई साथ साथ में, और साथ साथ में बनानी है वीडियो, क्योंकि भाई यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैमरे की है भाई। आपको यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा भाई, लेकिन कैमरे की नज़र से आप नहीं बच सकते भाई। गए हैं लोकेशन पे, ये देखो भाई, और उसने बाहर की लोकेशन भेजी हुई थी भाई, अंदर की नहीं भेजी थी, जहाँ पे गाड़ी लोड होनी है अपनी। तो बोला अभी कॉल किया है, बोल रहा है बंदा भेज रहा हूँ, वहीं पर रुको आप, देखते हैं कौन आता है। हमने बोल दिया उसको कि मिनी मार्केट के पास खड़े हुए हैं। ये देखो भाई सामने बैंक बने हुए हैं, और बैंकों के साथ में छोटे छोटे होटल बने हुए हैं भाई, और हम पी के आए भाई चाय। ये देखो भाई बिल, एक बार 25 रुपये का बिल बनाया है भाई एक चाय का। छोटे छोटे होटल बने हुए हैं भाई, मिनी मार्केट है ये। ये देखो भाई, ये जो भी नए नंबर आए ना, वो नंबर है भाई 22BH, आगे जो भी अपना नंबर है, वैसे दिखाना नहीं चाहिए भाई किसी का नंबर, लेकिन ये इंडिया में अभी नया नंबर आया है ना, ये नंबर उनके पास ही है भाई, सरकारी जो कर्मचारी है ना उसी के पास है भाई ये नंबर, अभी तक प्राइवेट नहीं आए ये नंबर, लेकिन आ जाएंगे धीरे धीरे भाई। ये देखो भाई प्यारी प्यारी बिल्डिंगें बनी हुई है, और यहाँ पे छोटा सा पार्क है भाई बच्चों के खेलने के लिए, और हम यहाँ पे गाड़ी लोड करने के लिए आए हुए थे भाई, हम गए थे भाई चाय पीने के लिए। ये देखो भाई यहाँ पे कुछ नहीं था खाने के लिए, इसलिए भाई हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। साइड में देखो भाई ऑनलाइन ऑर्डर किया है भाई, वैसे यहाँ पे बने हुए तो है, लेकिन जोमेटो का भाई नहीं है कोई सिस्टम यहाँ पे, तो इसलिए उसमें लगेगी भाई 1 घंटा, तो इसलिए हमने सोचा भाई तब तक चाय पी लेते हैं। 46 मिनट दिखा रहा है भाई, ये आ गया भाई अपना पिज़्ज़ा, और चेक करते हैं इसको खोल के, क्योंकि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया है, और 2 बजने वाले हैं भाई, करते हैं इसको ओपन, देखते हैं भाई क्या दिया है। ये देखो भाई ये आया अपना पिज़्ज़ा, और चीज़ पिज़्ज़ा है भाई ये देखो, और साथ में आए हैं भाई ये सॉस वगैरह, 1-2 ये आए हैं, और साथ में आए हैं भाई सॉस 1 या 2। तो खाते हैं भाई एक बार पिज़्ज़ा, फिर बातें करेंगे आपसे, तब तक गाड़ी भी लोड हो जाएगी भाई। भाई वेलकम टू यू चंडीगढ़, हम भाई लोड करने के लिए गए थे ना, तो चंडीगढ़ से बाहर चले गए थे, पंजाब में इंटर हो गए थे भाई, लेकिन अब फिर वापस हम चंडीगढ़ के अंदर इंटर हो गए हैं भाई। ये चंडीगढ़ में इंटर होने के बाद भाई पहली रेड लाइट है, और यहाँ पे गाड़ी की स्पीड रखनी है भाई अपने को 50 से ऊपर नहीं जाना है, अगर 50 से ऊपर जाएंगे ना भाई तो अपना स्पीड का चलान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड के वो लगे हुए हैं भाई रोड के बीच में। ये रेड लाइट अपने को हर बार परेशान कर रही है भाई, इधर से आए तब भी परेशान कर रही थी, अभी भी रेड लाइट हो गई है, और उस साइड आए थे, उस साइड से आए थे तब भी रेड लाइट थी भाई, लेकिन अब की बार ज़्यादा नहीं है भाई, 10 से 12 सेकंड की बची हुई है देखो, और शाम का नज़ारा देखो भाई एक बार चंडीगढ़ का आप, हाय हाय क्या बात है, आ रहा है ना भाई मस्त व्यू। अपना ये सामने वाला जो फ्रंट शीशा है ना भाई, ये थोड़ा सा साफ नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा क्लियर तो नज़र नहीं आएगा भाई, लेकिन नज़र आ जाएगा। देखो भाई कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, ये है भाई हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, देखो भाई, और रोडों की सफाई देखो भाई एक बार, अगर ऐसे रोड पूरे इंडिया में हो ना भाई,
तो ट्रक वालों का दिल सा लगा रहता है। फिर वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पे चंडीगढ़ में, आप अगर आ रहे हो, अगर पहली बार भी आप आ रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा भाई चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन हाँ, आपको भाई गाड़ी की स्पीड और सीट बेल्ट, इन दो से तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, वरना ऑनलाइन चलान हो जाएगा आपका। फिर भी कोई पुलिस वाला आके नहीं बोलेगा आपको भी भैया आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी भाई चंडीगढ़ की। लेकिन हम 50 से ऊपर जाएंगे नहीं भाई। It's all right.